नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको हिप्स में बड़े हुए फैट को दूर करने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों हिप्स में बड़ा हुआ फैट के कारण हमारा पूरा शरीर बेडॉल सा दिखाई देता है। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं यानी दिन भर जिन लोगों का बैठे रहने का कार्य होता है उन लोगों में हिप्स फैट की समस्या होती है। इसके अलावा आफ्टर डिलीवरी महिलाओं के या सर्जरी के बाद महिलाओं के हिप्स में फैट बढ़ जाता है और हिप्स के साइड में भी फैट बढ़ने के कारण पूरा शरीर बेडॉल दिखाई देता है। इन अभ्यासों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने हिप्स के फैट को दूर कर सकते हैं और हिप्स में हिप्स पेन, थाई पेन की समस्या को भी दूर कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है। आइए देखते हैं कि हिप्स फैट को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों हिप्स फैट को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को मध्यम गति के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को शामिल कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा गैप रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेना है और ऐसे अपने घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे ही बैठना है और फिर सीधे खड़े हो जाना है। ऐसे ही इसे 8 से 10 बार इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है और आपने अपने हील को अपने पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हुए अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करनी है और फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को नीचे को करते हैं। इसके बाद आप ऐसे 2 से 5 मिनट ऐसे ही अपने हील को ऐसे अपने हिप्स पर लगाते हुए ऐसे अप डाउन कीजिए अपने पैर को। इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रहता है और जिन लोगों को हिप्स फैट और हिप्स के आसपास अतिरिक्त फैट की समस्या होती है वह दूर होती है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, उत्कट आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास रख लेते हैं, अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठना है, फिर सीधे। ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार करना है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और इनहेल करते हुए ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर बैठना है, पंजों के बल बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे। ऐसे ही इसे भी अप डाउन करते हुए 8 से 10 बार कीजिए। बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने पैरों में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और ऐसे आपने राइट साइड बैठना है और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेंगे, फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही इसे आप 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं, राइट पैर को ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में कर लेते हैं और लेफ्ट पैर को ऐसे 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं, इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।
लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। उत्तान पदासना की पोजिशन पर आते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करना है और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। सांस अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं। इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे। श्वास को रोक कर रखें। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे ही सभी आपको दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे पीछे ले जाते हैं। तीस सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर ऐसे सेंटर में आते हैं। ऐसे धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सभी आपको पैर बदलकर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।